स्थलों में है जिसका जिक्र आजकल कहीं वेबसाइट किसी भी फेसबुक किसी भी यूट्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा पुल है जो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस ऐसे रहस्यमय पुल को आपके समक्ष लेके आज हम आए हैं। देखिए ये तीन पुल देखने को मिलने हैं आपको, सुरंग, जिन सुरंग से भारत और नेपाल के बीच में लोग आना जाना करते थे आज से पहले के टाइम में। ऊपर के साइड नहर है और ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो आप देख सकते हैं ये तीन सुरंग यहाँ पर दे रखी हैं, और इन सुरंग से आप एक जगह से दूसरी जगह नहर को पार कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एकमात्र ऑप्शन है जिनको तैरना नहीं आता। ये आप देख सकते हैं तीन सुरंग यहाँ दे रखी हैं, और जिसमें से अधिकतर लोग एक ही सुरंग से नहर को पार करते हैं। ये पुल आज़ादी के समय से पहले अंग्रेजों ने बना रखा है, और यहाँ लोग अधिकतर लोग पिकनिक स्पॉट के तौर पे यहाँ पर क्षेत्र से दूर एक एकांत जगह में आते हैं। इस पुल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए लोकल के रहने वाले हिमांशु जोशी इनसे जानकारी लेते हैं इस पुल के बारे में। हाँ बताइए हिमांशु जी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ बहुत डरावनी जगह है, ये अभी का पुल नहीं है, ये अंग्रेजों के टाइम से पुल बना है। और यहाँ माना जाता है कि यहाँ के गाँव वाले लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर दूसरे और तीसरे सुरंग से जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते हैं। बोलते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का बहुत है और सांप मगरमच्छ यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ये देखिए मैं चलता ये पुल, ये देखिए कीड़ा, बहुत ही खतरनाक जंगली कीड़े, हजारों पैर वाला कीड़ा। ऊपर से पानी गिरता हुआ नदी का, देखिए कितना भयानक पुल है, अंधेरा है पूरा, यहाँ भाई देख रहा है, देखिए लोग यहाँ से आना जाना कितना कठिन बिल्लियां भी है अंदर, जंगली बिल्लियां। यहाँ बहुत ही ठंडा हो रहा है क्योंकि नदी बहुत ठंडा होता है इस जल्दी गर्मी में, यहाँ ठंड का आनंद। ये देखिए बहुत ही शानदार व्यू।
ये है वो गहरी काली गुफाएं दो, यहाँ का पानी देखिए बहुत ही ठंडा पानी। आप यहाँ नहाने का आनंद उठा सकते हैं इस ठंडे के मौसम में। ये देखिए जैसा आप देख सकते हैं मच्छियाँ। देख सकते हैं इस जोंक को, थोड़ा सा क्लियरिटी गिर गई। ये देखिए कितना भयानक और कितना लंबा ये पुल आपको देखने को मिल रहा है। ये अंधेरा पुल, अंधेरा होने के कारण यहाँ अंधेरा रहता है, इसलिए इसको अंधेरा पुल बोला जाता है। ये इंडिया से नेपाल जाने के लिए बीच में जो नहर पड़ती है शारदा नहर, आपने सुना होगा, टनकपुर साइड से निकलती है और खटीमा में पावर हाउस है जहाँ बिजली बनती है इस शारदा नहर से, और लास्ट में ये गंगा में मिल जाती है। एक तरीके की गंगा की सहायक नदी है और इसको यहाँ पे शारदा नहर बोला जाता है। तो इसी नहर के नीचे ये पुल बना हुआ है और ये पुल नहर पार करने का एकमात्र ऑप्शन है, एक ऐसा विकल्प अगर आपको तैराकी नहीं आती और आप इस जगह से दूसरी जगह नहर के एक पार से दूसरी पार जाना चाहते हैं तो ये पुल आपका एकमात्र विकल्प है। अगर ये पुल नहीं होता तो शायद एक जगह से दूसरी जगह नहर के इस पार से नहर के उस पार जाने में प्रॉब्लम होती। ये पुल अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है और इसकी अगर गवर्नमेंट अगर इसकी केयर करती है तो ये पुल और ज़्यादा
इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की सरकार की तरफ से कुछ देखरेख नहीं की जाती। यहाँ पर लोग आते हैं पार्टी पिकनिक के तौर पे और गंदा करके चले जाते हैं। बस एक मात्र पुल है और लोगों की मदद करता है। इस पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के लगभग बैठ जाती है और आप देख सकते हैं ये पुल क्रॉस कर चुके हैं हम। अब हम नहर के दूसरी तरफ आ चुके हैं। क्या नज़ारा आप देख सकते हैं, प्रकृति का नज़ारा। ऐसी गर्मी में अगर ये नज़ारा अगर मिल जाए तो क्या आनंद नहीं आएगा। देखिए कितना आकर्षक ये पुल, एक सुरंग है जो आप देख सकते हैं। अपनी सुंदरता के लिए ये बहुत फेमस है, इतना प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। जानवरों के लिए इधर एक प्रसिद्ध चारागाह भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कई किस्म के जानवर आते रहते हैं।